पन्ना जिले के पबई में नववर्ष के दिन यानी कि 1 जनवरी को सिद्ध स्थल हनुमान भाटे और मां कलेही मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक और SDOP सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इसी क्रम में उन्होंने यातायात व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि सलेहा और कटनी से आने वाले वाहन की पार्किंग की व्यवस्था छत्रसाल स्टेडियम में होगी और इसके साथ ही मां कलेही मंदिर जाने वाले मार्ग में केवल पैदल ही लोग आ जा सकेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्ण एस छोटा जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महोदय श्रीमती आरती सिंह और श्रीमान SDOP महोदय पुवई श्री सौरभ रत्नाकर के मान निर्देशन में जो एक 2024 को हमारे जो यहाँ पवई में सिद्ध स्थान है माता कलेही का मंदिर और हनुमान भाटा का जो मंदिर, यहाँ लाखों लोग आते हैं, इनके लोगों की अशांतिपूर्ण तरीके से इनकी व्यवस्था जमाने के लिए और इस तरीके इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31/12/2023 के रात्रि 12 बजे से जो रोड मोहद्रा रोड है, जो पूर्ण रूप से फोर व्हीलर बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा, जो लोग शिमरिया मोहद्रा के माध्यम से पवई आना चाहते हैं तो उनसे अपील की जाती है कि वो अमानगंज के माध्यम से पवई आएँ और जो लोग पवई से शिमरिया तरफ जाना चाहते हैं उन लोगों से अपील करते हैं कि वो भी अमानगंज से घूम के आए और जिन लोगों को कटनी या सतना तरफ जाना है वो लोग बाय रेपरा जा सकते हैं। जो लोग यहाँ सलेहा या अमानगंज तरफ से पवई माता मंदिर में जाएंगे उन लोगों के वाहन की व्यवस्था हमने छत्रसाल पार्क में रखी है और जो लोग मोहद्रा तरफ से माता कलेही या हनुमान भाटी के दर्शन करने आते हैं उनके सभी पार्किंग की व्यवस्था हमने गोल्डन सिटी के अंदर की है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस भव्य कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए इसका सहयोग करें।